सभी का हमारे YouTube चैनल आर्ट क्लास पाठशाला में हार्दिक स्वागत। आज आप सबको बताने वाले हैं कि राकेश गोस्वामी सर की जो रिवीजन नोट्स है उसको हम 10 दिन में कैसे समाप्त करें। ये स्ट्रेटजी जो होती है ये हम लोगों की है और आपकी क्या है वो आप जानते हैं, लेकिन इस बुक को 10 दिन में हम कैसे समाप्त करें ये आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये आपके पास बुक है कि नहीं, अगर नहीं है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में एक नंबर है, व्हाट्सएप करके वो नंबर मंगा लीजिए या अपने नज़दीकी बुक से मंगा लीजिए। लेकिन एक बात याद कर रखिएगा, बुक सेलर से या अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर लेने से पहले एक चीज़ देख लीजिएगा कि संस्करण मई 2022 का होना चाहिए, क्योंकि नया संस्करण आ चुका है मई 2022, उसी को लीजिएगा और कोई मतलब ओल्ड वर्जन मत लीजिएगा। ओल्ड वर्जन लेने से नया जो संस्करण में नई चीज़ें ऐड की हुई हैं वो आपसे मिस हो जाएंगी, ठीक है। तो नया संस्करण लीजिएगा। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं नया संस्करण तो प्लीज़ नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप मंगा सकते हैं, या राकेश सर का बुक में जो पीछे नंबर है उस पर आप मैसेज करके डायरेक्टली सर से मंगा सकते हैं बुक, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि रिवीजन नोट्स यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो वन लाइनर भी है, लेकिन ये रिवीजन नोट्स लोगों के लिए रामबाण औषधि है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आज बता दूँ, ये बुक सर ने 6 साल में तैयार की थी। पर्सनली मैं तो सर से अभी जुड़ा था, तो ये अब इसमें लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि राकेश गोस्वामी सर ने कितना पैसा दिया आपको, कितना कुछ दिया। भाई ये कुछ पैसा नहीं दिया, मैं तो सर से आज तक मिला भी नहीं, ठीक है। एक बार सर से बात हुई थी जब मैंने बुक्स मंगाना था, तो लोगों ने ऐसे कमेंट किए, भाई लोगों की जितनी गंदी सोच होती है मैं उस सोच को नहीं बता सकता, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो वो कमेंट करते हैं वो अपना भाग लेके आए, वो बस कमेंट करने वाले हैं, ना पढ़ने वाले हैं ना गिनती करने वाले हैं, ये या तो दूसरी कोचिंग वाले हैं या एनीवे उस मैटर को जाने देते हैं, हम नहीं बात करते हैं। तो हम रिवीजन नोट्स को कैसे कंप्लीट करते हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ इसमें पेज कितने हैं, ठीक है। ये बुक्स इतनी अच्छी है कि शुरुआत से लेकर देखिए, इन्होंने सर ने हमारे सर ने इसके मैं आपको विषय सूची बता देता हूँ। भारतीय ऐतिहासिक चित्रकला, सिंधु घाटी की सभ्यता, प्राचीन जो कला के केंद्र हैं प्रमुख जोगीमारा, अजंता, बाघ बदामी, सितनवासन, सिगिरिया, एलोरा, एलिफेंटा, प्राकृत चित्रकला में पाल शैली, जैन और ब्रंज शैली, ठीक है। राजस्थानी चित्रकला, मुगल एवं दक्षिणी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, तंजौर, उड़ीसा, कालीघाट कंपनी शैली तथा राजा रवि वर्मा, ठीक है, और बंगाल शैली के कलाकार, आधुनिक तथा समकालीन कलाकार, यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला, मिस्र तथा मेसोपोटामिया की मतलब कला, क्रेटन माइसिनियन तथा यूनानी कला, और यूरोपीय मध्यकालीन कला में आरंभिक ईसाई, बाइजेंटाइन, रोमांस्क तथा गोथिक कला, और पुनरुत्थान कालीन कला, बारोक तथा रोकोको कला, नवशास्त्रीयवाद, रोमांसवाद, ब्रिटिश तस्य चित्रण, बारहवीं चित्रकार, यथार्थवाद, और 19वीं शताब्दी की कला जिसमें प्रभाववाद, नव प्रभाववाद तथा उत्तर प्रभाववाद, सब कुछ मतलब सर ने ऐड किया। मैं आपको बता देता हूँ बाद में, ये हो सकता है ये वीडियो लंबी हो, लेकिन आप ये मत कहना कि वीडियो लंबी जैसा सोची बताया वगैरह वगैरह, जो भी बात हो कमेंट बॉक्स में उतार देना, ठीक है। आगे 20वीं शताब्दी की कला में सर ने घनवाद, अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद और दादावाद तथा फाववाद को ऐड किया, ठीक है। अल्पकालीन कला प्रवृत्तियों में सर ने आप आर्ट, पॉप आर्ट, भविष्यवाद, समुच्चयवाद, सुरीलवाद, नवलीचनवाद, ठीक है, नवलचीलवाद, किरणवाद, एक्शन पेंटिंग, कंप्यूटर कला और इंस्टॉलेशन आर्ट को भी सर ने ऐड किया, ठीक है। और कला का अर्थ, कला की परिभाषा और चित्रकला के 6 अंग, षडंग तथा कला तत्व तत्व, ठीक है, और सौंदर्य साहित्य तथा प्राचीन ग्रंथों में कला का वर्णन, संयोजन के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य, माध्यम और तकनीक तथा ग्राफिक कला, लोक कला, स्थापत्य कला तथा मूर्ति कला, विविध तथ्य, सही सुमेलन, संवाद, भारतीय कलाकार तथा उनकी कलाकृतियाँ, यूरोपीय कलाकार तथा उनकी कलाकृतियाँ, भारत में कला शिक्षा के प्रमुख केंद्र, कला दीर्घाएँ, कला संगठन तथा संग्रहालय, और विश्व की 10 सबसे महंगी प्रिंटिंग, मतलब जो नया संस्करण है जो अभी नई 2021 में हुआ उसको भी सब ने ऐड किया, ठीक है। और महत्वपूर्ण कलावाद, प्रवर्तक व स्थान तथा विश्व के 7 आश्चर्य जो अजूबे हैं वो, और विश्व की प्रसिद्ध कलाकृतियाँ, कलाकार तथा संग्रह। और सर ने 2016, 2018, 2021, मतलब सर ने यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षा भर्ती, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिक्षकता आयोग, आई मीन जितने मॉडल पेपर हैं सब इसमें ऐड कर दिए बुक में,
यहाँ तक कि मैं आपको पीछे भी कुछ दिखा देता हूँ। इस तरह चित्र देखिए, देख रहे हो, देखो भाई सर ने टोटली ऐड किया है। और दिखाते हैं आपको, ये देखिए बाहर की किला कला शिक्षा के जो संगठन है, संग्रहालय है, इस तरह पूरा ऐड किया। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो स्ट्रेटजी है, कैसे इस बुक को आप 10 दिन में समाप्त करेंगे वो बता देता हूँ आपको। तो मोटा मोटा इस पेज में, मतलब इस बुक में 465 पेज है, ठीक है, 465 पेज में मैं आपको बता देता हूँ लेसन कितने हैं। देखो मैं थोड़ा सा स्पीड बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो शॉर्ट ही होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है। सर ने 35 लेसन इसमें दिए हैं और उसके बाद उन्होंने 410 तक है, 410 के बाद सर ने मॉडल पेपर लग, मतलब जो पेपर हुए हैं पेपर लगा दिए हैं, तो 416 है, उसके बाद 470 तक हुआ है। टोटल टोटल मान लीजिए आपके 50 से 54 पेज में सर ने प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए हैं, ठीक है। तो ये आपके बचे 420 पेज, क्या भाई 410 पेज, ठीक है। 410 पेज को आपको 10 दिन में कैसे करना है, तो सबसे पहले आप काउंट कर लीजिएगा, बता रहा हूँ आपको, कैलकुलेटर खोल लीजिएगा, कैलकुलेटर में 410 भागे 10 दिन में, ठीक है, 400 भागे 10 दिन को आप जोड़ लीजिए, देखिए आ रहा 41, ठीक है, 41 आ रहा है, हो सकता है इसमें उल्टा दिख रहा हो, 41 आ रहा है। अब आप 41 पेज रोज़ पढ़ेंगे ना, 10 दिन में समाप्त हो जाएगी। लेकिन कैसे, यहाँ पर या यहाँ पर ये देखिए मैंने लिखा था 10 दिन, दिख रहा है, लिखा है ना 10 पेज, मतलब 10 दिन में समाप्त करने के लिए ये 10 दिन की स्ट्रेटजी थी, आप सभी को बनानी पड़ेगी। इस बुक को 10 दिन में समाप्त कर दीजिए और फिर 10 दिन में जब समाप्त हो जाएगी ना, तो याद रखिएगा 10 दिन और दे दीजिएगा इसको, 20 दिन में आपको याद हो जाएगी पक्का। और ऐसे करिएगा कि देखो मैंने क्या कर रखा है, पूरी बुक मैंने छाप रखी है, ऐसे करिएगा ना सारी बुक याद हो जाएगी, इस चीज़ की गारंटी है। तो ये बुक आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मेरे लिए तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। थैंक्स, मैं कहता हूँ गोस्वामी सर को, और कभी अगर मिलेंगे तो मैं दंडवत चरण स्पर्श करूँगा, क्योंकि ऐसी बुक निकालना किसी की बस की बात नहीं थी। रीता प्रताप लोगों की मैं गलत नहीं कहता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इतनी इतनी बुक होती हैं, मतलब 5-6 बुक आप उनकी लो पढ़ो कुछ समझ में ना आए, लेकिन सर ने एक बुक में, एक ये बुक और एक ये बुक, इन दो बुकों में सर ने सब कुछ भर दिया। तो आपको ये बुक कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। शेयर करने के साथ ही इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो आपके दुश्मन भी हैं, उनको भी शेयर करना, यह आपकी फुफा की कसम है आपको। तो इस बुक के लिए अब अभी कुछ ही लोग, अभी एक लोगों ने मुझे मैसेज किया था, ठीक है, मैं साइड में देखूँगा, इन्होंने मुझे मैसेज किया राकेश सर ने आपको कितना पैसा दिया इस, मतलब ऐड करने के लिए कुछ। भाई कुछ नहीं, मैं तो सर से अभी तक मिला नहीं हूँ, इस विद्यावा की कसम मैं सर से नहीं मिला, ठीक है। और ये इतनी गंदी सोच वाली है रेडी कि मैं कुछ नहीं कह सकता इनको, क्योंकि ये इनकी इतनी गंदी सोच है कि मतलब शिक्षा को भी ये बिकने पर ले आई है। सोचो यार, कोई बुक है जो लोगों के लिए बेस्ट है, उसको बताने में क्या दिक्कत है, जरा ये बताओ, किसी को बताने में कोई दिक्कत है? अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप नहीं बताओगे उनको? तो शिक्षा को जितना बांटो उतना अच्छा है, आपके लिए उतना फ़ायदेमंद है। और एक बात याद रखना, गाँव में, हमारे गाँव में कहा करते हैं रटंती विद्या खुदंती पानी, तो कुएं को जितना खोदोगे उतना अच्छा पानी आएगा, ठीक है, और बुक को जितना रटोगे, लेकिन रटने के साथ साथ उसमें ये चीज़, हर चीज़ को अच्छे से ढंग से, एक ढंग से अगर आप रट रहे हो, मतलब बुक को देख रहे हो, बुक को पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो बुक आपको एक एक शब्द याद हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और वीडियो 9 मिनट से ओवर हो चुका है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना। और अगर सर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे मैं हाथ जोड़कर माफ़ी तो नहीं मांग
रहा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि सर आपने ऐसी बुक हमें हम लोगों को पढ़ने के लिए निकाली। और मैं जितना कोशिश करूँगा लोगों से बताऊँगा कि अगर आपको TGT PGT या अन्य प्रदेशिक TGT PGT में पार्टिसिपेट करना है और आपको फर्स्ट बार में ही क्लियर करना है तो आप यही बुक लीजिए, और बुक में चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि और जो बुक है कोई नया संस्करण नहीं है उनका, पुराने ओल्ड मॉडल पर आधारित है, जिसके कारण आपका जो नया टॉपिक होता है वो छूट चुका होता है। और मैं यही तक बताऊंगा, और हाँ बहुत जल्द मैं इस बुक के बारे में भी लेके आऊँगा, ठीक है। तो अभी ये है किसी इस बुक के लिए मैं लॉन्ग वीडियो जरूर बनाऊँगा कि किस किस मैटर को वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस बुक का तो हर एक वर्ड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सारी बुक्स को पढ़िए, और अगर आप बुक्स परचेस करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर व्हाट्सअप करके बुक्स परचेस कर सकते हैं, या डायरेक्टली सर से व्हाट्सअप करके सर से मंगा सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर हाँ वीडियो के लिए लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट्स और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।